हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम है सीटीओ बस के अंदर और ये बस बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बस है। ब्लू ब्लू इसका थीम है और अभी मैं बैजनाथ से चंडीगढ़ जा रही हूँ। ये मुझे छोड़ने आए हैं, मैं और ईशान आज बस में जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बैजनाथ से चंडीगढ़ घुमाऊंगी और इन बसेस के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं चंडीगढ़, पर आज मुझे इनको छोड़ के जाना होगा। निशान थोड़ा हाय, आज इस बस में सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। मैं ईशान के पापा और ईशान। तो ये बसेस जो है बहुत अच्छी बसेस हैं, लग्जरी बसेस हैं, इनके सीट्स काफ़ी अच्छी हैं और आपको चंडीगढ़ टू बैजनाथ आना तो ये बस सबसे बेस्ट है। और इसका जो किराया है वो भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल कर है इसका किराया, पर उस बीच में हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। ए सी बसेज है फुली और सीट्स वगैरह बहुत अच्छी है। तो ये हमारी सीट्स हैं, हमने चिप्स ले लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए हैं। तो ये है बैजनाथ का बस स्टैंड और बस थोड़ी देर में निकलने ही वाली है, चलने ही वाली है। और अभी तक ईशान ने खूब मस्ती कर ली है, धीरे धीरे बस स्टार्ट हुई, चलने लगी ईशान ने, और पापा को छोड़ते हुए ईशान इमोशनल हो गया। नेचुरली होता ही है ना, बच्चे जब अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाते हैं या फिर फैमिली में कोई भी, तो थोड़ी देर हम सैड हुए, फिर आगे तो जाना ही था, फिर इसलिए हम बाय की और आगे अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ने लगे। ना अच्छे नहीं रोना। कुछ रास्ते तक ईशान थोड़ा सैड रहा, फिर धीरे धीरे इसका मूड ठीक होने लगा। केसर की प्यार से गाते हैं, तूने जाने कितना स्टोरी है तेरा, इश्क है प्यार। बस यूं ही हंसते गाते हम लोग आधे सफ़र में पहुंच के, फिर था जी लंच टाइम। भूख लगी थी तो सोचा क्यों ना थाली खाई जाए, राजमा चावल। तो हम अपने हिमाचली ढाबे में आए और यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया खाने में, फिर काफ़ी मज़ा आया खाना खाने में। और ईशान ने रोटी लेनी थी, वैसे हम घर से रोटी लाए थे पर वो ठंडी हो चुकी थी क्योंकि हमने खाना खा लिया और अब हम चल रहे हैं। चलो 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 चलो। तो देखो कितने खूबसूरत है ना ये बस के नज़ारे, सभी अपने अपने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, बस खाना खाने रुकती है। सच में इन सब चीज़ों का बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे हम कितनी भी गाड़ी अपने व्हीकल किसी भी चीज़ में जाए, बस में जाने का एक अलग ही मज़ा है। फिर शाम हुई धीरे धीरे, हमने चाय भी पी और शाम के साथ लो जी पहुँच के अपने पंजाब में और घर के नज़दीक ही हम पहुँच गए। सुबह चले थे, आप देख सकते हैं अब बस में लाइट्स ऑन हो गई है, शाम हो गई, रात अंधेरा हो गया और हमें उतरना था अपनी मंजिल में। फिर हमारी मंजिल भी आ गई। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो ऑटो गाड़ियाँ, तो किस में जाना है? तो ईशान ने कहा मामा हमें गाड़ी में जाना है, मीन्स ऑटो में जाना है। फिर हमने ऑटो लिया। तो लो जी हम पहुँच गए अपनी मंजिल में। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।